हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीपक कुमार नवरंग। और आज हम जो है क्लास टेंथ की फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा के बारे में हम जान लेते हैं। रिचर्ड एवराइट हैज़ रिसीव्ड द सी अर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिचर्ड एवराइट हैं जिन्होंने जो है एक सी अर्ल स्कॉलर अवार्ड और एक शेरिंग प्लो अवार्ड जो है जीता है, उनको मिला है किसके लिए, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और ये सब जो है उनका तितलियों के प्रति आकर्षण ही था जिसने जो है उनके लिए विज्ञान की दुनिया के रास्ते खोल दिए। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने जो है उनके प्रति, मतलब जो है तितलियों के प्रति उनका रुझान बढ़ा, तो हमें ये जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ टू सेल वर्क। 22 वर्ष की अवस्था में जो है एक लड़का जो पिछली साल जो है स्काउट ऑफ द ईयर भी रहा था, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को जो है अपनी न्यू थ्योरी के बल पर चौंका दिया था कि, और उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी कि सेल कैसे काम करते हैं, हाउ टू सेल वर्क। रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और रिचर्ड एच एवराइट और उनके कॉलेज रूममेट ने जो है इस थ्योरी का वर्णन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका में एक आर्टिकल के रूप में छापा था जिसका नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। और ऐसा पहली बार था जब किसी कॉलेज स्टूडेंट का जो है काम, मतलब इस महत्वपूर्ण मैगजीन में छपा हो। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15। और खेल की दुनिया में ये एकदम वैसा ही था जैसे किसी 15 साल के लड़के को एक बहुत ही बड़े मैच को खेलने का मौका मिला हो। एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम इन एट बैट। और जो है उस लड़के ने भी जो है, मतलब बिना नोट आउट हुए बहुत ही बड़ी जो है स्कोर बना दिया हो। फॉर रिचर्ड एवराइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्टरिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। और ऐसे ही जो है रिचर्ड एवराइट के लिए था इन, और ये जो सफलता की एक तरह से एक पहली के लिए कड़ी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। और इस सब की शुरुआत किससे हुई, बटरफ्लाई से। एन ओनली चाइल्ड एवराइट grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there, he said. और ये सब जो है ये मतलब नॉर्थ के रीडिंग इलाके में जो है बड़े हुए थे, जहाँ पर केवल एकमात्र यही बच्चे थे पेंसिल्वेनिया में। और वो कहते हैं कि देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, और वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जो मैं वहाँ पर कर सकता था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और मैं जो है किसी टीम के साथ जो है फुटबॉल या फिर बेसबॉल भी नहीं खेलना चाहता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्टिंग, परंतु वहाँ पर जो है एक काम था जो मैं कर सकता था, और वो क्या था, चीज़ों को एकत्रित करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो उन्होंने ऐसा ही करा जैसा वो पहले से करते हुए आ रहे थे। बिगनिंग इन किंडरगार्डन एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और जब वो किंडरगार्टन में थे, यानी कि जब वो एक तरह से नर्सरी में थे, तो उन्होंने जो है बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करना शुरू करा था और उनकी जो एक्टिविटीज़ को नोटिस किया था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक फॉसिल एंड कॉइंस, और वो जो है रॉक फॉसिल और कॉइंस को भी कलेक्ट करते थे। He became an eager astronomer to sometime stargazing all night. और वो जो है एक बहुत ही बड़े जो है एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे, तो इसलिए वो पूरी रात तारों को ही देखते रहते थे।
From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. और जो है शुरुआत में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा से ये काम करा. He also had a mother who encouraged his interest in learning. और उनकी जो है इस काम में उनकी जो मदद करी थी वो उनकी माँ ने करा था, जिन्होंने इस काम के प्रति उनके इंटरेस्ट को बढ़ाया था. She took him on trip. Bought him telescope, microscope, cameras, mounting material and other equipment and helped him in many other ways. और जो है उनकी माँ ने मतलब उनको एक ट्रिप पर भी लेकर गई और उनके लिए वहाँ से टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और माउंटिंग मटेरियल, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जो दीवार पर चिपक जाता हो या कहीं पर सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, और ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि उनकी इस रास्ते में जो है हेल्प करते थे. ठीक है, तो इस तरह से उनकी माँ ने उनकी इच्छाओं को भी नहीं मारा, जो भी उन्हें चीज़ चाहिए थी वो उन्हें दी, जो कि उनके जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इस तरह से. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड. और उनकी माँ ने बताया कि उसकी केवल मैं ही एक अकेली कंपेनियन थी, यानी कि चुनौती देने वाली थी जब तक कि उसके स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड फॉर हिम. और उसके बाद क्या हुआ, मैं जो है उसके लिए दोस्तों को घर पर लेकर आती. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. परंतु एक रात जो है जब हम काम को जो एक साथ कर रहे थे, रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड. और क्या हुआ, रिची के जो फादर थे, रिची के फादर की मृत्यु के बाद जो है रिची यानी कि रिचर्ड जो है उनके एकमात्र साथी थे. रिचर्ड जो है अपनी मम्मी के एकमात्र सहारा थे. जब उनके पिताजी की ख़त्म हुए तो वो थर्ड क्लास में पढ़ते थे. सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. और वो और उनकी माँ दोनों जो है हर शाम को डाइनिंग टेबल पर टाइम स्पेंड करते थे. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग. और उनकी माँ ने बताया कि जो है अगर उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है तो मैंने उसके लिए काम ढूँढा. ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो काम जो है फिजिकल हो, पर जो है मतलब याद करने का वाला काम भी जो है मैंने उसके लिए ढूंढा. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट. और उसने जो है इसे पसंद भी किया. ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो है जो है सीखना चाहता था. एंड लर्न ही डिड. और उसने सीखा भी. ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल. और उसने जो है स्कूल में बहुत ही एक टॉप ग्रेड को जो है अचीव करा, बहुत अच्छे नंबरों को जो है उसने अचीव करा था. On every day thing he was just like every other kid, his mother said. और जो है हर दिन की तरह जो है वो भी एक तरह से मतलब दूसरे बच्चों की ही तरह था. By the time he was in the second grade, परंतु जो है जैसे ही वो second grade में पहुँचा, Albright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. और क्या हुआ, जैसे ही वो जो सेकेंड ग्रेड में पहुंचा तो उसने जो है 25 कैटेगरी की यानी कि अलग अलग तरह की जो है बटरफ्लाइज को जो है फाउंड करा था, जो कि उसके होम टाउन में मिली थी. और ये जो है उस उन 25 बटरफ्लाइज की जो है लिस्ट है. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग. और इस तरह से जो है शायद हो सकता था मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग की जो हैबिट है वो अंत था. ही सैड बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मॉनार्च एक्स. परंतु क्या हुआ, मेरी माँ ने मतलब तभी मुझे एक किताब दी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ द मॉनार्च एक्स. दैट बुक विच टोल्ड मी हाउ मॉनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. और उस बुक से मुझे पता चला कि कैसे जो मोनार्च बटरफ्लाई हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती हैं, यानी कि सेंट्रल अमेरिका में जाती हैं. और इस तरह से जो है एक यंग कलेक्टर लड़के के लिए जो है
साइंस की दुनिया के रास्ते खुल गए थे। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और बुक के अंत में जो है जो पाठकों से राइटर ने मतलब निवेदन कर रखा था कि जो है हेल्प करें ये जानने में कि बटरफ्लाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। देवर आस्क टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और उन्होंने कहा ये भी कहा था कि जो है वो तितलियों पर टैग लगाएं जिससे जो है उन पर स्टडी आसानी से की जा सके। ये किसने कहा था? डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो है एक अध्यापक थे। कनाडा एब्राइट मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू द विंग ऑफ मोनार्च। और डॉक्टर अर्कहार्ट को उनकी माँ ने लेटर भी लिखा ये भी। और फिर बाद में क्या हुआ, जल्दी ही एब्राइट ने जो मोनार्च बटरफ्लाई है उनके विंग पर एडहेसिव टैग लगाया, चिपकने वाला एक मतलब टैग लगाया, निशान लगाया, जिससे जो है पता चल सके, ठीक है, कि ये हमारी तितली है, हमारी पकड़ी हुई तितली है, निशानी दी, ठीक है। एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और अगर किसी भी व्यक्ति को जो है टैग करी हुई बटरफ्लाई मिलती हैं तो उसे जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को सेंड करने के लिए कहा गया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। और जो बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो सीज़न है वो गर्मियों में रीडिंग नामक इलाके में जो है गर्मियों के अंत में लगभग लास्ट के जो 6 हफ्ते जो होते हैं उन्हीं में ही हम पकड़ सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर जो है तुम उन्हें एक एक करके पकड़ना चाहते हो तो शायद हो सकता है कि तुम बहुत सारी तितलियों को नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो इसलिए जो है एब्राइट का जो अगला कदम था वो क्या था, तितलियों के गुच्छों को या फिर झुंडों को जो है देखना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च टेक हर एग एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। और फिर क्या हुआ, जो एब्राइट थे इन्होंने जो है एक फीमेल मोनार्च को पकड़ लिया और उसे अपने मतलब बेसमेंट में लेकर गए और उसके अंडों को भी जो है लेकर गए और वहाँ पर जो है उसकी मतलब सही से देख रेख करी और उसके अंडों में से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से बटरफ्लाई को बनते हुए देखा। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई। और फिर बाद में जो है उस बटरफ्लाई को टैग कर दिया यानी कि उस पर निशानदेही कर दी विंग एंड लेट देम गो। और फिर बाद में जो है उसे उड़ने दिया। फॉर सेवरल ईयर हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और जो है कुछ साल बाद क्या हुआ, जो उनका बेसमेंट था बहुत सारी हजारों तितलियों का जो है डिफरेंट अलग अलग स्टेज की जो है अवस्था में मतलब एक पूरी तरह से तहखाना बन गया। उनके जो बेसमेंट में बहुत सारी हजारों तितलियां थी जो कि अलग अलग स्टेज में थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। और अचानक से जो है क्या हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई को टैगिंग करने का वो इंटरेस्ट जो है ख़त्म होने लगा। इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। और ये जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग था और यहाँ पर जो है कोई भी फीडबैक भी मुझे नहीं मिलता था, एवराइट सेड, ऐसा एवराइट ने कहा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, और क्योंकि मैंने जो है हर समय जो है यही करा। ही लाफ्ड, और वो हंसे और हंसते हुए बोले, ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। ओनली मतलब कि जो है वो हंसते हुए बोले कि केवल बस 2 ही बटरफ्लाई को ही मैं मतलब वापस आई जिन्हें मैंने टैग करा था, बस 2 ही बटरफ्लाई उनमें से वापस पकड़ी गई या फिर वापस आई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, बस मेरे जहाँ पर मैं रहता था वहाँ से बस 75 miles ही दूर थी। तो इस तरह से बच्चों हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा।
और आप इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.